सो हेलो गाइज, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन सिलेबस, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है मेंडल्स लॉ। ओके, मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ में इसमें कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि मेंडल्स लॉ होता क्या है। ओके, एंड मेंडल्स लॉ में कितने लॉ उन्होंने दिए हुए थे, मेंडल्स जो थे जिन्होंने पेपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो उसमें पूछ लिया जाता है मेंडल्स लॉ में इसमें आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसमें टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, कोडोमिनेंस, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, उसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड आपका सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन ये बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर बार सेमेस्टर्स में पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आपके सेल डिवीजन में क्या मिलेगा, माइटोसिस, मियोसिस। ओके, ये आपके टू फेस होते हैं सेल डिवीजन के। इसमें तो काफ़ी ऐसा पढ़ोगे तो काफ़ी मतलब लेंथ तो मिलेगा आपको, G1 फेज, G2 फेज, इसमें डिवाइड हो जाएगा फिर आपके फिर माइटोसिस मियोसिस में। जैसे माइटोसिस में आपको मिलेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, काफ़ी आप अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड थर्ड है आपका म्यूटेशन, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, व्हाट इज म्यूटेशन। इसमें दो टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो फोर्थ है आपका लिंकेज। लिंकेज ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है एंड हर बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ शॉर्ट में आपका आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड यूज़ क्या है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सब लोग जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, एंड यहाँ पर है आपका सेक्स डिटरमिनेशन जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये हर बार आपका पूछ लिया जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में बताइए। पॉलिनेशन ये भाई साहब मैं कहता हूँ बहुत ही, इसको मैं मतलब स्टार देना चाहिए इस टॉपिक को, डबल टिक। ठीक है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके हर बार सेमेस्टर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पॉलिनेशन। इसमें पूछ लिया जाएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताइए, इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे इसमें सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन होता क्या है थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमेन टू स्टिग्मा, जो कि पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के, वो मेल पार्ट से फ्लावर के फीमेल पार्ट पे लाई करते हैं। ठीक है, वो तो पोलिनेशन हो जाता है। इसमें टू टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। मैं अगर आपको वीडियो उस पर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको पोलिनेशन का एकदम डिटेल में वीडियो दे दूंगा। इसमें सेल्फ में भी अलग अलग होते हैं, जैसे ऑटोगैमस, जिटेनोगामी, जीनोगामी, ये सब होता है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ मैंने डिस्कवरी नोट की हुई है जो कि आपके काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं इसमें। इसमें पूछ लिया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स के पिता कौन थे। ठीक है, तो जेनेटिक्स के पिता जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रेजर जॉन मेंडल थे ना। एंड सेकंड आपका हु डिस्कवर्ड द सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऐसे डायरेक्ट आपके, डिस्कवरी ऑफ सेल आ जाता है, इस पर कुछ लिखने को भी आ जाता है कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, तो आप इसको पढ़ लेना। कौन किया था सेल का डिस्कवर, रॉबर्ट हुक इन 1665 में। ठीक है, एंड डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस जो कि आपका सेल डिवीजन में मैंने बता चुका है, वहां पर आपका माइटोसिस मियोसिस मिलेगा आपको पढ़ने को। इसकी डिस्कवरी कौन किया था, माइटोसिस के किए थे वेल्थर फ्लेमिंग। ओके, एंड मियोसिस का कौन किया था, ऑस्कर हार्टविग। ओके, सेल थ्योरी गिवन बाय, जो सेल की थ्योरी दी थी वो किन्होंने दी थी। ठीक है, किसने सेल की थ्योरी दी, ये क्वेश्चन। तो इनके जो थ्योरी दिए थे उनका नाम है थॉडर सेक्वॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवर, न्यूक्लियस जैसे कि आप जानते हैं सेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस का डिस्कवर किया हुआ था रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम,
वेल्थर फ्लेमिंग। ओके, सो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सेमेस्टर्स में आएंगे। सो काफ़ी कमेंट मुझे आ रहा था कि प्लीज़ वीडियो अपलोड कर दीजिए जेनेटिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार आ जाते हैं, तो उसमें से काफ़ी ऐसे मुझे कॉमन क्वेश्चन लगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो निकल जाएगा, बट हाँ एक प्रयास ज़रूर रहेगा कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपका कुछ नहीं तो यार काफ़ी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें से जो मैंने बताया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंडल्स ला सेल डिवीजन, ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसमें आना है, ठीक है। तो ये आप इसको बी केयरफुल एकदम पढ़ लेना, ये दो टॉपिक, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।